हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएमआर के क्लासेस। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़े थे तार थ्योरी कही थे, किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा जोड़ा प्रीवियस ईयर पढ़ी से गुड़ा करवा आउ किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी प्रत्येक क्वेश्चन गोटे गोटे कनसेप्ट जो गुड़ाक एक्सप्लेन मुझे करी तार क्वेश्चन ये वीडियो प्लेलीस्ट आवेलेबल अच्छी जाए फास्ट तक देखु तापर क्वेश्चन भी करूँ ना क्वेश्चन भी कनसेप्ट को क्लीयरली बुझेबी बुझाक चेस्ट करूँ भिडियो आरंभ शेष पर्यटन देखते जहाँ जो डाउट रोज कमेंट सेक्शन में जहां चलो आरंभ कर। आइडेंटिफायर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौटा एटॉमिक साइज ऑफ सीजियम आटम इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम आटम एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छी। न्यूक्लियर चार्ज ऑन कार्बन आटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज ऑन ऑक्सीजन आटम ये भूल अच्छे देखते मुझे एक्सप्लेन करुच्छी कहीं जब कार्बन ऑक्सीजन को कार्बन ऑक्सीजन को कंपेयर कर कार्बन आटोमिक नंबर है सिक्स ऑक्सीजन आटोमिक नंबर है एट आप छा इलेक्ट्रोन अच्छी आप आठटा इलेक्ट्रोन अच्छी आप छा प्रोटोन अच्छी आप आठटा प्रोटोन अच्छी। अच्छा मुझे गोटे फर्मुला कही साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ये फर्मुला केत पड़ो ना आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसीस पड़ो ना ना जब सेम नंबर अफ प्रिंसिपल कंटोन नंबर सेम नंबर सेल थोड़ा जाए पड़ो आ पाखे दुईटा सेल अच्छी गोटे सेल दुईटा इलेक्ट्रोन सेकंड सेल चार इलेक्ट्रोन कार्बन केस ऑक्सीजन केस फास्ट सेल दुईटा इलेक्ट्रोन सेकंड सेल चार इलेक्ट्रोन तेनाली नंबर अफ सेल सामान अच्छी तेणुक मुझे पकई पारि कौ सूत्र ना साइज इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टोटल नंबर साइज मैंने एटॉमिक रेडियस जदि पकईली कार्बन साइज कौन आसो कार्बन पाए छा प्रोटोन अच्छी आप आठटा प्रोटोन अच्छी तेणुक ऑक्सीजन जो प्रोटोन अधिका तेणुक तार रेडियस कम हम प्रोटोन अधिका रेडियस कम हम तेल ऑक्सीजन रेडियस इज लेस देन कार्बन रेडियस ऑक्सीजन जहाँ रेडियस कौन हम तापर न्यूक्लियर चार्ज टी अधिका हम तेणुक ऑक्सीजन न्यूक्लियर चार्ज अधिका हम इन कंपेरिजन टू कार्बन किंतु से कही न्यूक्लियर चार्ज कार्बन आटम इज ग्रेटर ना न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन आटम इज ग्रेटर कहीं तार रेडियस कम से न्यूक्लियर चार्ज अधिका होली रेडियस टा कमी जाए। अच्छा तेणुक ऑप्शन टा भूल अच्छी आंसर यही हम से कारण से पचार इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौटा एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन आटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन आटम मुझे एक्सप्लेन करी ड्रग्स लैटर रेडियस ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एब्सोल्युटली करेक्ट अच्छे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल इज हैविंग ए मास ऑफ एतिक दे देला कैलकुलेट इज मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एटा गोटे इक्वेशन आम पढ़ाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कौन कह डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय फोर पाए ये इक्वेशन को मुझे आ माने कौन ना इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पोजिशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई मेजर करहब ना किए कहते ना हाइजेनबर्ग कहते कि आमको ये कैलकुलेट करार अच्छे यही फर्मुला पकईकिना अनसर्टेन वेलोसिटीटा के अच्छा पोजिशन दे वन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर दे ग्राम देखो कन्वर्ट करा पड़ो के जी की कहीं एज जितने पकईवा से प्लांक्स कन्स्टांट सेटा एसआई यूनिट रे भारियो तेणुक वन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवेन के जी प्रथम एटा कौन दे देला डेल एक्स दे देला तले तापर कौन देला ना वेलोसिटी देला मास दे दे जी मास टा दे जी एटा मास दे जी डेल एक्स नय एटा मास टा डेलेक्स टा केते देला ना डेलेक्स टा देला 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर देला ताको कन्वर्ट करियो पड़े मीटर को इक्वल टू 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर ठीक अछि तबर फार्मूला को पके दा तले वेलोसिटी केते हो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू h / 1 चला केते 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 तबर डिवाइडेड बाय ये जो दुटा को कैलकुलेट करा है हमरो मास इनटू डेलेक्स मास केते 10 टू द 1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 टू डेलेक्स केते 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 એટલે 5 10 टू द पावर 5 ऊपर पड़ेबो हां एटी 4 पाई उठ रहइबो 4 पाई रो वैल्यू 12 पकेया काई ना देखो एटी फार्मूला टा होची v = h / डेल एक्स इंटू डेल इंटू एम एम भेलोसिटी फोर पाए
फोर पाए पायर वैल्यू थ्री से यूज करियो गाइस 12 में तले देखो कैलकुलेट करियो नियरली इज इक्वल टू 8.33 * 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रेशियो एटा ला आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ना कहीं सेंटीमीटर में कहीं आसो ये तो ये कर दीजन जे मीटर को कन्वर्ट कर दीजन तले एटा बी हो आंसर तो सेंटीमीटर दे दीजिए मगर करियो बी हम आंसर मीटर पर सेकंड रेशियो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ए पार्टिकल जाबिंग ए मोमेंटम ऑफ एति की दे देला कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ यदि मोमेंटम देथियो वेवलेंथ कैलकुलेट करिया पे हम कोन फार्मूला यूज करिया ना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कोन कहला ना लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। अच्छा लैम्डा तले केते ना एच हला कोन 6.6 * 10 टू द पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट एमवी केते देला 6.6 * 10 टू द पावर -24 तले 10 टू द पावर -10 आसला एटा प्लस होई कि ना 10 टू द -10 आसी 10 टू द -10 गुड ऑप्शन ना ई ऑप्शन टा करेक्ट ऑप्शन ए एटा ही होउ 10 टू द -10 एटा 10 टू द -11 हो जाउ 10 टू द -9 होउ 10 टू द -8 होउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवं द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा मु कहि दिली जेतले क्वांटम नंबर क्वेश्चन पडियो एम दिया तल तमे कोन देखियो ना एन केबे एल सहित समान हे परियो नै इधर देखि दियो ऑप्शन कोडा कटि जाउ छी ना ए ऑप्शन कटि गला एन एल केते केबे एम सहित भी समान हे परियो नै किबा एल एम टर ग्रेटर भी हे परियो नै सेमदी एन एल टर ग्रेटर भी हे परियो नै कोठी अछि ना एठी अछि देखो ए ऑप्शन भी कटि गला ताले ए ऑप्शन टा ठीक हे परियो एटा पूरा एब्सोल्युटली ठीक अछि एटा काई जवाब नै ना एल एम रो वैल्यू ला माइनस एल जीरो रु प्लस एल पर्यटन कितना एम रल रैल्यू जीरो एम रैल्यू जीरो हिं हम एटा माइनस वन हो पार ना जोटा जदि एल रैल्यू वन होता है एम रैल्यू के माइनस वन जीरो प्लस वन होता क्या माइनस एल रु प्लस एल पर्यटन एम रैल्यू एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल है अजीमुथल क्वांटम नंबर एम है मैग्नेटिक एम है स्पिन क्वांटम नंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एटा हूँ इनक्रीजिंग अर्डर में अच्छी एनर्जी इनक्रीजिंग अर्डर में एनर्जी इनक्रीजिंग अर्डर पर तुमको एन प्लस एल रूल पकेया पड़ो एन प्लस एल जार अधिका हम तहार एनर्जी अधिका हम यही अर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भी फिलिंग हुए किए कहते ना आकुआ कहते आकुआ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन सर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन अर्डर ऑफ देयर इनक्रीजिंग एनर्जी तुम एन प्लस एल समस्त एन एल जाणी एन प्लस एल पक कैलकुलेट कर निजे देखियो यही अर्डर ही इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी हो जदि एन प्लस एल सामान नहीं गला तार एन जार अधिका है तार एल एन जार अधिका है तार एनर्जी अधिका हम एल एस ऑर्बिटल पे जीरो पी ऑर्बिटल पे वन पी सबसेल एटा सबसेल डी सबसेल पे टू एफ सबसेल पे थ्री एटा एल रो वैल्यू। अच्छा कैलकुलेट करी करी जीव तले ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर निजे कैलकुलेट करी देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नोट टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स एटा होची पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कहिले कि मे बी प्रिंसिपल अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम बट वेरिंग स्पिन क्वांटम नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कहला इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम डेल एक्स इनटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई हबो अपोव प्रिंसिपल कौन कहला इनक्रीजिंग एनर्जी रे फील हबो इलेक्ट्रॉन कोथरे ना ऑर्बिटल रे कौन सुर कौन कहला ना फास्ट सिंगली फील्ड देन पेयरिंग स्टार्ट आपको मध्य कही पार हाफ फील्ड ऑर्बिटल को मोर स्टेबल बोली ये कही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो क्वांटम नंबर एन एंड एल दे देला यार एनर्जी अधिका मुझे एन प्लस एल जार अधिका हम एन प्लस एल हाई एनर्जी हम के हाई जदि एन प्लस एल सेम हम दीटा हाई एन एनर्जी हम हाई ये फर्मूला ये दुटा जो देखियो एन प्लस एल सामान हम तेणुक आर एन अधिका मैंने एन प्लस एल फाइव हम ये दुटा केस एनर्जी कह रहा ना आई रिका हम सब हाएस्ट एनर्जी आई रहा अप्सन कौट अप्सन डी रही केवल गोटे अप्सन अच्छी तापर हम थाली रहा एन आई केस अधिका हम
ସେମିତି ଏଠି ବି ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ସମାନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ ଯେହେତୁ ଆର ଅଧିକା ସେକେଣ୍ଡ ଆର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ୍ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହାଭିଂ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି। ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେବା ପାଇଁ, ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ତାହାକୁ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବିଟାଲଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେବ। ତେଣୁ ସେ କନଫିଗରେସନଟା ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ, ଯେତେବେଳେ କନଫିଗରେସନ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେବ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଏତିକି କି ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଅର୍ବିଟାଲ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଅର୍ବିଟାଲ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅର୍ବିଟାଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା, ଏଇ କନଫିଗରେସନରେ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ଏସ୍ଟା ଅର୍ବିଟାଲଟା ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହେଇଛି, ପି ଅର୍ବିଟାଲଟା ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେବ, ଏଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଅଧିକା ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବେ, ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଇଏ କାହାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ନା 15, କାରଣ ଏଇଟା ଦଶ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବାନି ବୋଲି ଆମେ ନିୟମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦଶ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ 12, 3 15, 15ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାହାର ନା ଆଟମିକ ନମ୍ବର 15 ଯାହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସ୍ପେସିସ କେସ୍ରେ, ତାହେଲେ 15 ମାନେ ଫସ୍ଫରସର ହେଇଥିବ। ମେ ବି ଫସ୍ଫରସର ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏମ୍ଜି, ଏମ୍ଜି ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସିଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 17 ଆର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପଳେଇଛି, ଯଦି 15 ଯାହାର ଆଟମିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 15ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସବ୍ସେଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସବ୍ସେଲ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ କି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବ୍ସେଲ୍ରେ ଥିବା ଅର୍ବିଟାଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫୁଲ୍ ହେବା ପରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହୁମ୍ସ କହିଥିଲେ। ତାକୁ ହୁମ୍ସ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ ନା, ଏଭ୍ରି ଆଟମ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ୱାର୍ 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍, ତାକୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଉଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନୋ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକୁଆ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏନର୍ଜିରେ ଫିଲ୍ ହେବ। ଏନର୍ଜି ଇନକ୍ରିଜିଂ କାହାର ନା, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଯାହାର ଅଧିକା ତାହାର, ଯଦି ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏନ୍ ଯାହାର ଅଧିକା ତାହାର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯିବା, ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍। ସୋଡିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 11, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ହେଲା ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍ ନିଅନ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ, 10 ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା 3s2, 3s2 ବି ଦେଖିବେ 10 11 ହଉଛି ମାନେ 3s1 ହବ। ତାହେଲେ ଯଦି 3s1 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 3, ଏସ୍ ସବ୍ସେଲ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 0, ତା ମାନେ ଏମ୍ 0 ହବ, କାରଣ ଏଲ୍ 0 ହେଲେ ଏମ୍ 0। ଏସ୍ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ହେଇପାରେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ସବୁତକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ନୁହେଁ ଫସ୍ଫରସର କରିବା, କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିହେବ। ଫସ୍ଫରସ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 15, ନିଅନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ, 3s2, 3p, 3p3, ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କହିବ, ଭାଲାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ପି ସବ୍ସେଲ୍ରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 3, ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ 1, ଏମ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ମାଇନସ୍ 1 ହେଇପାରିବ, 0 ହେଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର କେବଳ ଏନ୍ ଏନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ହେଇପାରିବ, ଏଲ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 1 ହେଇପାରିବ, ଏମ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ହେଇପାରିବ, ଏସ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ପସିବୁଲ କା ପାଇଁ, ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ମୋଷ୍ଟ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟାଲ ଇନ୍ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ। ମୋଷ୍ଟ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମେଟାଲ ହେଲା କିଏ ନା ଆଇରନ୍, ଆଉ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନନ୍ ମେଟାଲ ହେଲା କିଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୱିଚ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ସେମିତି ଏନ୍ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଏଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍, ଏ ଅପସନ୍ କଟିଗଲା। ଆଉ କେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଦେଖିବା, ଏଲ୍ ଏମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଛି କୋଉଠି, ଏ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ କଟିଗଲା।
এইটা তো হয়ে পার নট করেক্ট নট করেক্ট পচার এই তিনটা হয়ে পার তাহলে অপশন বি ইজ দ করেক্ট আনসর এইটা হি কেবল হয়ে পারি কারণ এন এল সাহস মানে গেল নেক্সট কোশ্চিন যা ইলেকট্রন উইল ফার্স্ট এন্টার ইন টু দ অরবিটাল উইথ দ সেট অফ কোয়ান্টম নম্বর ফার্স্ট এন্টার ইন টু দ অরবিটাল উইথ দিস সেট অফ কোয়ান্টম নম্বর কো কোয়ান্টম নম্বর প্রথমে ইলেকট্রন এন্ট্রি করিব তাহলে তাহলে আমাকে দেখে পড়ব আপবাবু কইছেন কি ইলেকট্রন ইনক্রিজিং এনার্জি রে ফিল হব ইনক্রিজিং এনার্জি কাহার না এটি চারি জন আঙ্কর এটি দেখো ইয়ার এনার্জি পাঁচ আর এনার্জি পাঁচ আর এনার্জি পাঁচ কেমিতি কলি না এন প্লস এল রুল পকাইলি যদি তিন জনকর এনার্জি সমান হয়ে যায় এন প্লস এল সমান হয়ে যায় তাহলে হাই এনার্জি কাহার না যাহার এন ভ্যালু অধিকা তার এনার্জি অধিকা তাহলে ফাইভ এল এই অপশন সবুঠ হাই এনার্জি তা তলে কাহার এনার্জি না আর এনার্জি এ র সবুঠ হাই এনার্জি তা তলে বি র এনার্জি তাহলে সি র এনার্জি তাহলে কোটি ফাস্ট ইলেকট্রন ফিল হব না ইলেকট্রন ফাস্ট লোয়ার এনার্জি ফিল হব তারপরে হায়ার এনার্জি ফিল হব সেই কুয়া হয়েছে ইলেকট্রন সার ফিল্ড ইন দ অরবিটাল ইন অর্ডার অফ দ ইনক্রিজিং এনার্জি তাহলে সি রে প্রথমে ইলেকট্রন ফিল হব তাহলে অপশন সি ইজ দ করেক্ট আনসার যদি কহিবি এটা কু অর এন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফাইভ এস এন ইজ ইকুয়াল টু ফোর এল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফোর পি এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এল ইজ ইকুয়াল টু টু রে কোন সি ডি যদি রুল বি দেখব ইলেকট্রন ফিলিং র এই অর্ডার হি ফিল হইতো প্রথমে এই যে তিনটা অরবিটাল ভিতরে ফার্স্ট থ্রি ডি ফিল হইতো নেক্সট কোশ্চেন কি অ্যাকর্ডিং টু বোর থিওরি দ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম অফ অ্যান ইলেকট্রন ইন ফিফথ অরবিট ফিফথ অরবিট ভিতরে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম এটা মু কহিনি যেতবে পড়াই দিলি এইটি কৌছি এল ইন টু এল প্লস ওয়ান র ফিফথ অরবিট রে তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম হচ্ছে এন এচ বাই টু পাই এন এচ বাই টু পাই এন কোন না নম্বর অফ অরবিট ফিফথ অরবিট দিয়েছি ফাইভ এচ বাই টু পাই তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম তাহলে কত হব না এইটি অপশন কোটা না টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ এচ বাই পাই অপশন বি ইজ দ করেক্ট আনসর মানে এটি ক্লিয়রলি বুঝ কোন না যে অরবিট্রে ইলেকট্রন উইল মুভ ইন দোজ অরবিট ফর হুইচ দ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম ইজ আন ইন্টিগ্রাল মল্টিপল অফ এন এচ বাই টু পাই ইলেকট্রন গুড়াক সেই অরবিট্রে বুলিব যে অরবিট্র অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম গোটে ইন্টিগ্রাল মল্টিপল হব এচ বাই টু পাই র আইদর সে ফার্স্ট অরবিট্রে যদি বুলিলা তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম হব এচ বাই টু পাই যদি সেকেন্ড অরবিট্রে বুলিলা তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম হব টু এচ বাই টু পাই যদি থার্ড অরবিট্রে বুলিলা তাহলে তার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টম হবো কেতে না থ্রি এচ বাই টু পাই অ্যান্ড সো অন এমতি এ হয়েকি চালিব বিকজ এইটা কহি নথিলি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এই কোশ্চিনে কহিদেলি নেক্সট কোশ্চিন হয়ে যাবে ফর ডি সবসেল দ নম্বর অফ এম ভ্যালু কেতে হবো ডি সবসেল পাই ডি সবসেল পাই প্রথম কথা এল কেতে হবো বারম্বার মু কহুছি এন ইজ এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো এস সবসেল এল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পি সবসেল এল ইজ ইকুয়াল টু টু ডি সবসেল তাহলে এল ইজ ইকুয়াল টু দুই হল তাহলে এম ভ্যালু কেতে হব না মাইনস দুই গোটে হয়েপার মাইনস ওয়ান গোটে হয়েপার জিরো গোটে হয়েপার প্লস ওয়ান গোটে হয়েপার প্লস টু গোটে হয়েপার আউ তো কিছু হয়েপার না এল র ভ্যালু যেত এম র ভ্যালু মাইনস এল রু প্লস এল পর্যন্ত হব তাহলে তিনটা দুইটা পাঁচটা ভ্যালু হয়েপার তার মানে অপশন ডি ইজ দ করেক্ট আনসর নেক্সট কোশ্চিন হয়ে যাবে হাউ মেনি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আর দেয়ার ইন এনআই টু প্লস এনআই টু প্লস র নিকেল টু প্লস নিকেল আটমিক নম্বর হল এইট ফোর এস টু থ্রি ডি এইট তো ইলেকট্রন যাব দুইটা পড়াইছি তেমনি এস সবসেল আউটর মোস্ট সেল হল ফোর তেমনি তা দেহ পড়াইছি ডি এইট রয়েছে ডি এইট কু কেমিতি ফিল আপ করিয়া না পাউলি এক্সক্লুজন প্রিন্সিপল কোন রুল অনুসারে কোন রুল অনুসারে কোন না ইলেকট্রন সিঙ্গল ফিল্ড প্রথম কথা ডি সবসেল পাঁচটা অরবিটাল রহিলা প্রথমে সিঙ্গল ফিল্ড হব তারপরে পেয়ারিং স্টার্ট হব আটটা ইলেকট্রন রহিলা মানে পাঁচ দুই সাত এক আটটা হয়ে গেল কারণ দুইটা আনপ্যাড ইলেকট্রন হয়ে গেল তাহলে হাউ মেনি আনপ্যাড ইলেকট্রন দুই ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট তো পকাউনি কেবে যদি ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট পচারি দেলা তাহলে এন ইন্টু এন প্লস টু র রুট ওভার বি এম হব তার ম্যাগনেটিক মুভমেন্ট এনটা কোন নম্বর অফ অনপেল ইলেকট্রন টু ইন্টু ফোর রুট ওভার বিএম
रूट एट बी एम हम तर मैग्नेटिक मोमेंट एटा के पचारुनी तुम क्वेश्चन में जब बाय चांस पचार दबो करियो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटा एग्जैक्टली करके आसले सोडियम तर एटॉमिक नंबर होला 11 जदि हमें नियन को नबा इनर्ट गैस को तापर 3s1 ताने तार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होला n इक्वल टू 3 होला l इक्वल टू 0 होला l इक्वल टू 0 माने m इक्वल टू 0 s इक्वल टू प्लस हाफ हो नल माइनस हाफ हो जोटा भी हे परियो ऑप्शन कोटा ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक नंबर अच्छा एटा ही हे परियो प्लस 1 0 गोटा होची एटा ऑप्शन सातटा वैल्यू हे परियो प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0 नेक्स्ट क्वेश्चन इज The number of electron that can accommodate in d subshell le orbital keta rahila na 5 ta tale gotte orbital le 2 ta electron rahyo 5 ta orbital le 10 ta electron rahyo next question is which of the following is not possible pai prathama condition dekhyo n is equal to not equal to l sange n not equal to m ei dita condition to kebe bhi hobo na tale kothi achi ki ei ta hi achi ei sange sange akhi age dekha gela n is equal to l dei dei एन के बे एल संगे समान नहीं परियो नहीं एल के बे एम संगे समान नहीं परियो नहीं ये कंडीशन है तो हमारे बाहर जो आंसर अब आगे बुझे हो पड़ियो नहीं आप और देखियो कौन होगा ना एल ला वैल्यू जितनी क्या हो एम रा वैल्यू माइनस एल प्लस एल परसेंट ही जिना नहीं माइनस एल जीरो प्लस एल परसेंट जाए जिना नहीं तले एन एल के बे समान नहीं परियो नहीं एन इज इक्वल टू नॉट एल इज नॉट इक्वल टू एल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंगिंग टू हाईएस्ट एनर्जी कहार ना एन प्लस एल जहार अधिका तहार एनर्जी अधिका कोठ हेछि ना एट एन प्लस एल 5 होछि आ सब केस रे 4 होछि इट 3 होछि इट 4 होछि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि पता त हमरा कहिथंदा कि को क्वांटम नंबर रे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करियो ना ऑप्शन डी भी हेथंदा कारण आफो प्रिंसिपल अनुसार इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी सबुठ एनर्जी जार अधिक है लास्ट इलेक्ट्रॉन जीव सब इलेक्ट्रॉन आर एनर्जी आर कम होता तीन तेनालीर एट भी फास्ट इलेक्ट्रॉन जाइ था ये भी जा देख ये 3s ये आगे इलेक्ट्रॉन जीव एटा हूँ कौन 4s एटा हूँ कौन 3p नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन पर्टिकुलर सेल इज इन ऑर्डर ऑफ हाँ कौ ऑर्डर एनर्जी रही है एटा हम कौन ना एस एस सब सेल सब तापर डी तापर एफ एटा हम आंसर सब कम एनर्जी एस सब सेल द करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्रोमियम हो जी एटॉमिक नंबर होला 24 आर्गन 4s2 3d4 होबा कथा किंतु एटी कौन हम ना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेतु स्टेबल ए कोन हो जीवन आर्गन 4s1 35 हो जो कॉन्फ़िगरेशन 35 गुड है जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जे इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वैल्यू केते अनसर्टेनिटी पोजीशन इज 0 होयला माने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो ही है जीव क्या पोजिशन मोमेंटम सहित देखिए डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर दैन इज टू एच वाई फोर पाए ये फर्मूला पोजिशन टा जीरो होगा मैंने ये कौन इनफाइट हो डी इज द करेक्ट आंसर जीरो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिया को पड़ियो एटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लियरली लिखिया सिखियो एठी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कारण 10टा इलेक्ट्रॉन होइजो नोबेल ग्लास को होबो नै टाइटेनियम रो होबो नै वैनेडियम Fe2+ एठी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो देखि दा चेक कर दा एरो मला केते 26 4s2 3d6 3d6 हेले
दुटा इलेक्ट्रोन पलि सिक्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन चार्टा अनपेड इलेक्ट्रोन चार्टा अनपेड इलेक्ट्रोन ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है कौन ना एन इन टू एन प्लस टू रूट ओवर बी एम यहाँ क्वेश्चन टाइम आड कर मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन पकईदेला वे स्टीट रे पकाए जब टीजिट रे पकईदेला तुम कर एन टा कौन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रोन मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रोन कौटी अच्छी फेरम टू प्लस अच्छे तेणुक यार मैक्सीम जार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रोन अधिक तरह मैग्नेटिक मोमेंट अधिक हाँ तेनाली एफ टू प्लस मैग्नेटिक मोमेंट अधिक हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट र मोस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल सब मोस्ट है सीला फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एटॉमिक नंबर के नाइन नाइन एन एस टू एनपी हीलियम 2s2 2p 224 2p5 ns2 np5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर n = 4 l = 3 m = 0 एंड s = -1 वुड बी इन द ऑर्बिटल n आउ l को नहीं ऑर्बिटल कही पार तुम एन है 4 मान 4 रही एल इज थ्री मैंने एफ रही फोर एफ ऑर्बिट फोर एफ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड से फॉर्मूला पर एन के एल सांगे इक्वल हो पार ना कौटी हो जाए कि ना यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रेट आयन रो केतरा हो नाइट्रेट आयन होला एन थ्री माइनस ताले 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थिले एटी इलेक्ट्रॉन तीनटा आड होगा ताने प्रोटॉन संख्या से रही है कि इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी जो तीनटा आड होगा 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन जदि आउ गोटे एग्जांपल दो छी एमजी टू प्लस रेटा इलेक्ट्रोन केतटा प्रोटॉन मैग्नेशियम रहा केतटा 12टा इलेक्ट्रॉन 12टा प्रोटॉन मैग्नेशियम टू प्लस प्रोटॉन संख्या से इलेक्ट्रॉन एटा प्रोटॉन एटा मैग्नेशियम टू प्लस इलेक्ट्रॉन है जो 10टा कि प्रोटॉन से 12टा ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन न्यूक्लियस अच्छी अफेक्टेड हम नहीं इलेक्ट्रॉन आउटर मसल अच्छी सी ही रिलीज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन एल्युमिनियम 3 प्लस देखी दियो एल्युमिनियम 3 प्लस इलेक्ट्रॉन रहा कतटा 10टा रो 13टा रहा कथा 3टा पड़ी प्रोटॉन रहा कतटा से 13टा सर एटॉमिक नंबर जी प्रोटॉन संख्या से एल 3 प्लस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रोनिक ट्विच आइसो इलेक्ट्रोनिक मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान एन ए प्लस जी रही है एमजी टू प्लस से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट है एनर्जी है माइनस 13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने फास्ट सेल जदि है माइनस 13.6 सेकेंड सेल जदि है सॉरी यहाँ भूल कर दिल टिके माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई वन है माइनस 13.6 जेड टाला कौन एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर तो सब कांस्टेंट एन ऊपर कथा ई टू के हम माइनस 3.5 माइनस 3.4 एटा आसो ई थ्री के आसो कैलकुलेट कर देख माइनस 13.6 बाय 4 एटा हो माइनस 13.6 बाय 9 हो माइनस 1.51 आसो ई फाइव ई फोर हो माइनस 0.85 एमती एनर्जी आसो कि कौन हो घटना देख इनक्रीजेस आज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस रु बढ़ी बढ़ी गले एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मैंने नंबर ऑफ सेल बढ़े यस एथि अधिक एनर्जी रिलीज होता है कम एनर्जी रिलीज होती आहरी कम एनर्जी आहरी कम एनर्जी यहाँ नेगेटिव साइन कम एनर्जी रिलीज हो डिक्रीज आस मूव आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस नाइन इनक्रीज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिमेन द सेम सेम तो कभी रोनी डिक्रीज तो होनी एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्रा हेले लैम्ब्रा रो मोमेंटम हबो डी ब्रोगली वेवलेंथ पके लैम्ब्रा इज इक्वल टू एच बाय एम वी ऑन एम वी लेकिन पता छ मोमेंटम कते एम वी इज इक्वल टू कते एच बाय लैम्ब्रा हबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जे द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड लैम्ब्रा इज इक्वल टू कते एच बाय एम वी एटा कैलकुलेट करियो केते बाहरला आंसर मते कमेंट सेक्शन में जणियो ताको यूनिट दे छि जहां प्लैंक्स कांस्टेंट रो यूनिट संगे रे मिसेई करी कैलकुलेट करी कोटा ऑप्शन आंसर वाला मते कमेंट सेक्शन में जणियो. नेक्स्ट क्वेश्चन दे द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम. अच्छा एनर्जी रो फार्मूला कोन ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्ब्डा एनर्जी यू वन बाय इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अरे यू वन बाय ई टू इज इक्वल टू लैम्ब्डा टू बाय लैम्ब्डा वन ताने लैम्ब्डा टू के 4000 बाय 2000 एंड 2:1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज करेक्ट फॉर Fe3+ Fe3+ माने F4 फेरम रहा 26 रू तीन टाइम इलेक्ट्रोन पड़े 23 जदि हवा 23 मैंने हिलियम नियन आर्गन आर्गन स्टार्ट आर्गन ले 4s2 3d3 लास्ट कौट अच्छी ना ये अच्छी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एपर्त लिखा जाए ना एपर्त आर्गन हो जाऊँ देख 6, 2, 8, 6, 14, 2, 16, 2, 18 इलेक्ट्रोन होगा 18 इलेक्ट्रोन एमती इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन लिखा अपेक्षा 18 एटॉमिक नंबर जहाँ हम सहित आर्गन मु बुझे जी ताको क्लियरली बुझे जी केमि जी लिखा जीवो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम हला एटॉमिक नंबर हला 17 कोन रहइबो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ना नियन 10 पर्यंत टोटल लिखिबा नै तापर 3s2 तापर 3p5 एठी हम क्लियरली जान जा क्वेश्चन ता पूर्व करथिले एन इज इक्वल टू 3 त हबो एथरे किछि डाउट नै एल इज इक्वल टू केते हो पी ऑर्बिटल पई 1 हो एथरे किछि भी डाउट नै एम इज इक्वल टू केते हे परियो ना -1 हे परियो 0 हे परियो +1 भी हे परियो ऑप्शन को देखि करबा एस इज इक्वल टू केते +1/2 हे परियो -1/2 भी हे परियो और -1/2 भी हे परियो ऑप्शन को देखि करबा तले एन इज इक्वल टू खाली ए तो पचारनी खाली एन एल एम पचारछि एन हला एन एल के बस एन हला 3 एल हला 1 एटा हे परियो एम इज इक्वल टू 1 हो एटा भी हे परियो एन तो दुई एटा कटिगला एन तो दुई एटा कटिगला एन इज इक्वल टू 3 एल इज इक्वल टू 2 केबे हे परियो नै कारण पी ऑर्बिटल पे एल ला 1 तेन कर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एटा भी हे परियो नै. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल सेई पॉसिबल कोटा एन संगे एल समान हेला एटा पॉसिबल नै एन इज नॉट इक्वल टू एल तले एल केते हबो ना एन थरे गोटे कम हबो एन रो वैल्यू जति के हबो एन जति 4 हला तले एल रो मैक्सिमम वैल्यू बेरो कते 3 अच्छा एटी एटा हि परे एटा एल आ एम एल थरु एम टा एक्सीड करला एटा भी परियो नै एटा हां एटा हिजो एटा एब्सोल्युटली करेक्ट अछि एटा भी एल थरु एम एक्सीड करला एटा हि परियो नै ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वैल्यू एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. अच्छा सीक्वेंस ऑफ फिलिंग माने ओ सीक्वेंस रे फिलिंग हो माने 1s तब 2s तब 2p तब 3s 3p ए जो सीक्वेंस टा एटा को की एक्सप्लेन कर छी ना आपको प्रिंसिपल कहि छथि कोन कहि छथि ना इलेक्ट्रॉन फिल हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे क्यू रूल आछि n+l रूल n+l रूल देखाय छी 1s रो एनर्जी जति कि 2s रो एनर्जी टाट रो अधिक क्योंकि लोअर रो हायर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन फिल हे कि जाउ छी तले के कह जन ना आपको प्रिंसिपल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैज लार्जेस्ट साइज. मु गोटे फार्मूला कहि छी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन नंबर पके दो प्रोटॉन जहार अधिक तार साइज कम तान एटी पचार छी लार्जेस्ट साइज प्रोटॉन सब कम कहार ना आरो 8 एटॉमिक नंबर माने 8टा प्रोटॉन आरो 11टा प्रोटॉन आरो 7टा प्रोटॉन आर 9टा प्रोटॉन ता माने सबुठारो 7टा प्रोटॉन कम आर प्रोटॉन ला नाइट्रोजन नो तेन करी आर साइज सबुठरो बडा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
डायमैग्नेटिक आयन इज डायमैग्नेटिक आयन जानिया पड़ो ना डायमैग्नेटिक के ना जार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हेले सी कौन हम ना डायमैग्नेटिक हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौटी जीरो हम ना ये जेड एन टू प्लस जीरो हम जिंक आटोमिक नंबर है तीस तो लिखा जाए कमी ना आर्गन फोर एस टू थ्री डी टेन लिखा जाए यहाँ भानी दीटा प्लस पड़े मैंने यहाँ इलेक्ट्रोन गुड़ा पड़ी थ्री डी टेन फुलफिल्ड टोटाल तो अनपैड इलेक्ट्रोन जीरो अनपैड इलेक्ट्रोन जीरो हेल्ले डायमैग्नेटिक कहुए बुझे तो फलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन अफ फॉस्फरस थ्री माइनस प्रथम कथ जाना फॉस्फरस आटोमिक नंबर है फिफ्टीन तीन माइनस मैंने तरह इलेक्ट्रोन अच्छे अठरटा अठरटा मैंने आर्गन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन संगे सामान देखिद गणी दिव प्रथम अठरटा इलेक्ट्रोन कौट अच्छी दुई दुई चार दुई छः चार दस दुई बार चार षोह एटा हो पार ना दुई दुई चार छः दस दुई बार तीन पंदर यहाँ हो पार ना दुई दुई चार छः दस दुई बार तेरह यहाँ भी हो पार ना दुई दुई चार छः दस दुई बार छः अठर ये हम प्रथम अठरटा इलेक्ट्रोन थी दरकार क्या पी थ्री माइनस अठरटा इलेक्ट्रोन अच्छे जदि समय अर्डर देखी था माइनस पर टू ठीक आना ठीक अर्डर आना द डी ब्रोगली एसोसिएटेड विथ ए बॉल ऑफ मास वन केजी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इतनी देला काइनेटिक एनर्जी इतनी देला लैम्ब्डा पचारा एच अपन एम भी किंतु काइनेटिक एनर्जी दे दी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भितर गोटे रिलेशन अच्छी पी स्क्वायर बाय टू एम पी स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनटू मास एटा क्लीयरली लिखी दे देख एटा फिजिक्स फॉर्मूला भी दरकार हम के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम ताने कौन हम ना पी के बाहर ना काइनेटिक एनर्जी इनटू टू एम रूट ओवर ताने लैम्ब्डा एटी के हम एच तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी दे इंटू टू एम रूट ओवर इजिकल टू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी टू द पावर माइनस थर्टी फोर दे काइनेटिक एनर्जी के जीरो पॉइंट फाइव एटा दे वन जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू एटा दी टू एम मान गोटे वन दुईटार दुई वन मैंने सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी टू माइनस थर्टी फोर बाहर आंसर यहाँ आ मीटर पचारेन्थ आम बाहर कौन ये आंसर हम मीटर रे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझे द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू होम्स रूल होम्स रूल कौन कहला ना फास्ट सिंगली फील्ड हो देन पेयरिंग स्टार्ट हो इटा ही एब्सोल्युटली करेक्ट अछि 1s2 2s2 एटा भी करेक्ट अछि 1s2 2s1 एटा भी करेक्ट अछि ए 2p x2 हे जाय छि कोन होबा कथा ना 1s2 होबा कथा 2s2 होबा कथा तबर 2p x1 होबा कथा 2p y1 होबा कथा किंतु ए डायरेक्ट डबल फील्ड हे जाय छि सिंगली फील्ड हे नै तन को सिंगली फील्ड न होबा पर्यंत फुल फील्ड स्टार्ट हे परियो नै त ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एटा के हे परियो नै ए मॉडिफाइड ता इटा ही हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आम चैप्टर को एंड कर किसी क्वेश्चन थी जहाँकि क्लीयरली एक्सप्लेन कर डाउट रहा कमेंट सेक्शन में जनातु सब चैप्टर को जितक कनसेप्ट आटोमिक स्ट्रक्चर अच्छी से चैप्टर बुझाई थी तार क्वेश्चन ये आर भितर ही क्वेश्चन आसो दुईट तीन टी क्वेश्चन आप चालीस क्वेश्चन दुईट तीन टी आटोमिक स्ट्रक्चर पाए आर रिलेटेड ही क्वेश्चन आसो क्लीयरली क्वेश्चन भी देखी थी से आराम से क्वेश्चन को एग्जाम सल्व करके आसपार ये क्लास को एंड कर थैंक यू।